और जापानी समाज की एक मशहूर लोकोक्ति है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पीपल विद सेम डिजीज शेयर सिंपैथी, यानी एक जैसी बीमारी के शिकार लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया भाव से जुड़े होते हैं। भारतीय राजनीति में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के प्रति आजकल विपक्ष में ऐसा ही हो रहा है। कल विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की शिकायत की थी। इस चिट्ठी पर साइन करने वालों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। आज उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना आवास पर सीबीआई के छापे पड़े तो राबड़ी देवी के समर्थन में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल आगे आए। भ्रष्टाचार के मामले में आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर पटना से आई है, दूसरी खबर दिल्ली से आई है। पटना में सीबीआई ने राबड़ी देवी के घर पर छापे मारे, उनसे पूछताछ की, जबकि दिल्ली में शराबकांड के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब 51 साल के मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही बीतेगी। अब पहले पटना में सीबीआई एक्शन की बात कर लेते हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम आज लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। करीब 4 से 5 घंटे तक सीबीआई के अफसर उनके आवास पर मौजूद रहे। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम यहां से निकल गई। सीबीआई से पूछताछ के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब चलता रहता है। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सीबीआई उन्हें फिर से टारगेट कर रही है। इस मामले में उन्हें विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिला। राबड़ी देवी के घर पर छापे और विपक्षी नेताओं के एक जैसे दर्द वाले रिश्ते पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, उसे आप जरूर देखिए। क्या लग रहा है कि कभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही है? जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। जब भी जो है वो करप्शन की बात आएगी, करप्शन पे हो गई चोट होगी, तो कभी केजरीवाल साहब को उसकी चीख निकल आएगी, कभी किसी और की निकल आएगी। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है। पिछले 9 वर्षों में भाजपा के शासन काल में कितनी भी ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की छापे मारी, उनमें से 1% में भी कमी नहीं चली। नोट करने वाली बात यह भी है कि सीबीआई ईडी के विपक्ष विरोधी इस्तेमाल के खिलाफ चिट्ठी पर साइन करने वाले 9 नेताओं में नीतीश कुमार का नाम नहीं था, जबकि उनके साथ सरकार चला रहे तेजस्वी यादव ने साइन इस पर किया था। इसे नीतीश कुमार का मूल राजनीतिक स्वभाव कहा जाए या राजनीतिक सोशल डिस्टेंसिंग, ये रिसर्च का विषय है। हालांकि विपक्षी एकता की सबसे ऊंची आवाज बार बार वही उठा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 4 मार्च को मनीष सिसोदिया को 2 दिनों की सीबीआई रिमांड दी गई थी, जो आज पूरी हो गई। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभी मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए, लेकिन भविष्य में वो रिमांड का अनुरोध कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया अगली सुनवाई तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अगर उन्हें 10 मार्च को जमानत मिल गई तो बाहर वो आ सकते हैं, वरना 20 मार्च तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में अपने साथ भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपासना की इजाजत भी मांगी है, जिस पर बाद में विचार किया जाएगा। शराबकांड के मामले में सिसोदिया को पिछले महीने 26 फरवरी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया से पहले उनके साथ कैबिनेट में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2 पूर्व मंत्रियों का भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में होना केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि
अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। जब जज ने क्लियरली सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दी कि एक सवाल को आप बार बार नहीं पूछ सकते हो, तो आज ये साबित हो गया कि उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं है, वो और पुलिस कस्टडी चाहते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई बिल्कुल मामला नहीं है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। लेकिन क्योंकि उनके आकाओं ने कहा है कि उनको अरेस्ट करके रखना है, इसलिए सीबीआई ने कर रखा है।